वेलकम डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू थ्योरी. इट इज़ बीएससी थर्ड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द पेपर 304 केम 304. एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. हम एक साइंटिस्ट थे लीनियस पॉलिंग, उन्होंने दी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें क्या बताती है, लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग बताती है. जो मेटल और लिगेंड है, जैसे कि हमें पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में मेनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है. तो मेटल और लिगेंड आपस में जो कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक थ्योरी दी गई थी. ठीक है, लीनियस पॉलिंग ने दी थी. और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक मेटल बनाया है और एक लिगेंड बनाया है. मेटल के कुछ ऑर्बिटल हैं, इन यहाँ पे लिखा है वेकेंट मेटल ऑर्बिटल. ये खाली हैं, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. और वैसे ही आपके पास लिगेंड है, लिगेंड के पास ये जो डैश लाइन मैंने शो की है, ये क्या बता रही हैं कि लिगेंड के ऑर्बिटल कैसे हैं, फील्ड ऑर्बिटल है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर शो किया गया है. तो क्या होता है कि मेटल और लिगेंड आपस में इनके ऑर्बिटल ओवरलैप कर देते हैं. तो हम बोलते हैं कि फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड ओवरलैप विद द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल. फील्ड इलेक्ट्रॉन इस मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले गए, लिगेंड से चले गए इलेक्ट्रॉन मेटल एटम में. ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर गए, तो यहाँ पे क्या होगी, इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ओवरलैपिंग ऑफ लिगेंड होगी. तो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ लिगेंड क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है. ये जो बॉन्ड बना है ये है लिगेंड टू मेटल. लिगेंड से मेटल की तरफ मैंने एरो लगाया है. तो लिगेंड ये क्या शो कर रहा है कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इट इज़ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो क्या बन गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया. कैसे कैसे मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इज़ इट क्लियर. ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, एग्जाम में आपको आएंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या पोस्टुलेट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन, मेटल न्यूट्रल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, मेक अवेलेबल वेरियस एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द कोऑर्डिनेशन विद लिगेंड. मेटल क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल में कुछ ऑर्बिटल्स को खाली करवा देगा. कैसे खाली करवाएगा, आइदर बाय पेयरिंग और विदाउट पेयरिंग. मतलब वो खाली करवाएगा कुछ ऑर्बिटल को, ताकि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल में दे सके. सो दैट लिगेंड कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल. जैसे मान लो आपके पास कोई मेटल है, यहाँ पे जैसे मेटल है, ये कोई मेटल है. ठीक है, मेटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है. तो पेयरिंग कैसे करवा देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, आप फिर से 5 ऑर्बिटल बनाओ. तो एक तो ऑलरेडी था यहाँ पे, ये दो ऑलरेडी थे, ये यहाँ पे चल गया तो ये हो गया और यहाँ पे. तो ये क्या किया, इन्होंने पेयरिंग कर दी. तो ये ऑर्बिटल के क्या करवा दिए इन्होंने, दे मेक देम एम्प्टी, उनको खाली करवा दिया, ताकि लिगेंड आए और लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में डोनेट कर दे. ये मतलब हुआ इसका. ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया ये. सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि दीज एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये जो हमने एम्प्टी ऑर्बिटल करवाए ऑफ एप्रोप्रिएट सिमेट्री, हाइब्रिडाइज विद ईच अदर. आपस में क्या कर देते हैं, ये हाइब्रिडाइज कर देते हैं. अब हाइब्रिडाइज होने से क्या होगा, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. उससे बन रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनकी शेप और उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है. ठीक है, हाइब्रिडाइज होने के बाद जो भी रिजल्टिंग ऑर्बिटल हैं, उनकी शेप और एनर्जी सेम हो जाती है. द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं. और वो क्या डिटरमिन करते हैं, दे डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ये क्या डिटरमिन करेगा, ये डिटरमिन करेगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है. ठीक है, ये है सेकंड पोस्टुलेट. तो फर्स्ट पोस्टुलेट में उसने अपने ऑर्बिटल्स को खाली करवा दिया. सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोलता है कि जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल हुए थे, वो आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे. और हाइब्रिडाइज होने से वो क्या बना देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब जो डी ऑर्बिटल है,
विच इज़ इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. आपको पता है कि हमारे पास एस ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं और डी ऑर्बिटल होते हैं. अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इनर क्या हो गया, एन माइनस वन डी, और एन माइनस वन डी को क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज पेनल्टीमेट शेल. इज इट क्लियर? अगर पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल अंदर वाला हो गया, तो हम डी को पहले बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन. तो अगर डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो भी कॉम्प्लेक्स बने वो क्या होंगे, दीज आर कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज. क्या बोलेंगे उनको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज. लेकिन अगर हमारे पास बाहर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे हमारे पास मान लो एन डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एन डी क्या हो गया, डी हमने अब बाहर लिखा, तो क्या बन गया, एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एस पी थ्री डी टू. तो एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल आउटसाइड वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इन ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज. Is it clear? ठीक है, तो ये भी एक postulate है. और last में क्या बोलते हैं कि जो valence bond theory है वो किस चीज़ के ऊपर emphasize करती है, ये emphasize करती है कि bond formation कैसा है metal or ligand में, कैसा bond है, covalent bond. कई बार आपको question आता है कि valence, according to valence bond theory, bond formed between metal and ligand कैसा bond है, it is a covalent bond, very very important. अब ये मेरे पास कुछ ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, दे हाइब्रिडाइज हो जाते हैं. तो हाइब्रिडाइज होने से अभी हमने कहा था कि वो क्या बताते हैं, उसकी ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उस हाइब्रिडाइजेशन की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी ज्योमेट्री बनती है. तो अगर आपके पास एक एस और एक पी आपस में हाइब्रिडाइज कर रहा है, तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस पी हाइब्रिडाइजेशन. तो क्या बनेगा वो, एस पी हाइब्रिडाइजेशन. तो एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में सिर्फ दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो अगर ये आपके पास मेटल एटम है, ये आपके पास लिगेंड है, फर्स्ट लिगेंड और सेकंड लिगेंड, सिर्फ दो लिगेंड पार्टिसिपेट करें, फर्स्ट लिगेंड सेकंड लिगेंड, एंड ये है बीच में सेंट्रल मेटल आयन, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इट विल बी अ लीनियर ज्योमेट्री. इज इट क्लियर? अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1s एंड p के दो ऑर्बिटल, मान लो पी एक्स और पी वाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 + 2 कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल. तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 3. अगर 3 है तो ये है आपके पास मेटल एटम, मेटल एटम के अराउंड फर्स्ट लिगेंड सेकेंड लिगेंड थर्ड लिगेंड, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक है, ठीक है. वैसे अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसमें, कोऑर्डिनेशन बिकम्स 4, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, मेटल एटम और ये 4 लिगेंड हैं इसके साथ में, 4 लिगेंड्स, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, इट इज़ अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4. वैसे ही अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 ऑर्बिटल हो गए. और यहाँ पे लिखा है मैंने कौन सा डी पार्टिसिपेट करेगा, डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा इसमें. तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्योमेट्री क्या बन जाती है आपके पास, स्क्वायर प्लेनर. तो ये है आपके पास स्क्वायर प्लेन. स्क्वायर प्लेन में क्या होता है, मेटल एटम इन द सेंटर और 4 लिगेंड हैं एक प्लेन में बने हैं, जो हम आपका स्क्वायर बना रहे हैं. ठीक है, फिर है हमारे पास dsp3 हाइब्रिडाइजेशन. dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना हो गया, 3, 4, 5 टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 5. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5. तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बीच में मेटल एटम है और मेटल एटम के पास 1, 2, 3, 4, 5 लिगेंड्स हैं. तो ज्योमेट्री क्या हो गया आपका, इट इज़ ट्राइगनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री. इज इट क्लियर? अब है हमारे पास sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन. एक डी sp3 होती है और एक होती है sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन. sp3 डी में डी कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें कौन सा है, डी जेड स्क्वायर. तो sp3 डी में स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल. तो ये है आपका स्क्वायर और एक ऊपर लिगेंड लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री. ठीक है, और लास्ट में आपके पास डी टू एस पी थ्री या एस पी थ्री डी टू. अभी हमने देखा कि अगर डी टू एस पी थ्री में डी फर्स्ट आ जाएगा, तो ये कौन से कॉम्प्लेक्स हो गए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और अगर डी आपका बाहर वाला पार्टिसिपेट करा है, तो ये क्या हो गया आपके पास, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम काउंट करेंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे, 3, 4, 5 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया. तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर
नंबर के लिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं हम, ऐसे एक बनाते हैं हम स्क्वायर प्लेन, ये है हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन, इसको बोलते हैं जो चार लिगेंड है वो इक्वेटोरियल प्लेन में है, और एक लिगेंड अबव द प्लेन और एक लिगेंड बिलो द प्लेन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपके पास, 6। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट ज्योमेट्रीज विच इज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एग्जाम्स में मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने के लिए आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।